ये कौन लोग हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को फ्री यूपीएससी कोचिंग देने का उठाया है बीड़ा? ये कौन लोग हैं जिनका मानना है कि सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए लाखों लाख खर्च करने की जरूरत नहीं? ये कौन लोग हैं जहां 15 से भी अधिक इंडिया के टॉप फैकल्टीज पैन लेवल पर पूरी इंडिया में फ्री सिविल सर्विस कोचिंग देते हैं? दोस्तों, ये है दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट की एक ऐसी टीम जो अब तक कई टॉपर्स दे चुका है, एक ऐसी कोचिंग जहां सिर्फ एक साल में 6000 से भी अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, एक ऐसी टीम जो पूरी ऊर्जा के साथ यूपीएससी के फील्ड में उतरा है, एक ऐसी कोचिंग जहां आपको प्री हो या मेंस पूरी कोचिंग ऑनलाइन मिलने वाली है फ्री। आइए हम आपको इस टीम से मिलाते हैं और जानते हैं दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट के असली सीक्रेट, साथ में हम कुछ छात्रों से भी करेंगे बात। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे आप सभी के लिए कुछ न कुछ हम अलग क्या करने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको ये बताते हैं कि आपको यहाँ पे फ्री में कोचिंग मिल रही है यूपीएससी की, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, यानी फ्री में रेजिडेंशियल कोचिंग हो, ऑनलाइन ऑफलाइन हो, इस तरह की चीज़ें जहाँ भी मुझे पता चलती है मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें आप तक पहुँचें ताकि आप उसी का फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों, आज मैं आया हूँ, ये सिद्धि पार्क है ओल्ड राजेंद्र नगर में, और दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में हमें पता चला था, जहाँ पे कैन यू बिलीव ऑलमोस्ट फ्री 399, 499, 599, 1099, मतलब ये एक टोकन की तरह है, और टोकन की तरह है, इट मीन्स यहाँ पे ये लोग फ्री में ऑनलाइन यूपीएससी की कोचिंग देते हैं बच्चों को जो डिज़र्विंग होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते आज की इस महंगी कोचिंग को, उन बच्चों को ये फ्री में ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी टीम खड़ी है, सारे स्टूडेंट हैं, और मैं इन सभी से बात करने की कोशिश करूँ। ये जो दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट जो एक इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को बहुत ही इट्स लाइक ए टोकन मनी, लाइक वो पैसे नहीं लेते, 399, 499 कोर्सेज के हिसाब से वो पढ़ाते हैं, मैंने सुना है, इसमें क्या सच्चाई है इसके बारे में बताइए आप। सर, एक तो काम किया जाए, दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे जब आप कोर्सेज देखेंगे आपको क्लियरली वही दिखेगा जो अभी आपने बोला। अच्छा, तो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, है। इवन बहुत अफोर्डेबल है एक्चुअली, में जो वो कहते हैं ना कि सब लोग अफोर्डेबल बेच रहे हैं, 2500 अफोर्डेबल नहीं है, बट 300-500 इज अफोर्डेबल, क्योंकि देर आर सो मेनी जो अभी क्लेम कर रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल कोचिंग, मेरे पास 2500 नहीं है बट 500 है, दैट इज़ अ फिजिबिलिटी, और अमंग अस ऑल 500 देना हम मतलब कि घर से मांगने की जरूरत नहीं, वी कैन मैनेज इट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। सर, पी वाई क्यूज पे बहुत फोकस कराते हैं, उन्होंने पूरा पैटर्न हमें रियलाइज करा के दिखाया कि किस तरह से, मतलब पेपर वही क्वेश्चंस, वही थीमेटिक टॉपिक्स रिपीटेड हैं, वही सेम चीज़ें, हमें कुछ अदर, मतलब इस बार तो मैं इतना चिल हूँ, मतलब मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की, कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ सर के सर जो बताते हैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और पी वाई क्यूज ही टोटली फोकस कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी, मतलब मैं बहुत चिल हूँ इस बार की शायद इस बार पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन चलती है, राइट? हाँ सर, ऑनलाइन ही हमें। तो किस तरह के कोर्सेज हैं यहाँ पे, मतलब डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या फिर आप खुद तय करती हैं कि हमें ये चीज़ करना है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से है सर ने बहुत ही, एक तो ये है कि कोई पूरा ऐसा बल्क में नहीं है कि आपको पूरा कोर्स ही परचेज करना है, छोटे छोटे जैसे लाइक सी सेट का, अगर आपको जो भी पोर्शन वीक है आपका वो आप परचेज कर सकते हैं, 250, 300, 400, 500 लाइक वाइज। सर का मतलब मोटो ही कुछ अलग है, आप सिलेबस जो पढ़ रहे हो वो तो आपको सब कोचिंग वाले पढ़ाएंगे, आप उनके पास जाओ उनके पास जाओ, लेकिन सर ने रिवर्स इंजीनियरिंग करा। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ाना चालू किया, जैसे मैम बता रही थी थीमेटिक टॉपिक के थ्रू, तो जो हर साल जो थीमेटिक टॉपिक मतलब आना ही आना है, तो सर ने उसको एनालिसिस करा, उसको एक जगह एक स्लॉट पे रखा, और हम लोग को फिर मतलब हम लोग का जो एनालिटिकल स्किल जो होना चाहिए वो बच्चे यदि नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अक्सर होता नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाओगे, 2-3 बार पढ़ोगे फुल सिलेबस तब जाके आप एनालाइज कर पाओगे कि चीज़ें ऐसे चलती हैं, लेकिन सर ने वो 2-3 अटेम्प्ट हम लोग को, मतलब हम लोग का स्ट्रगल करने के बजाय सर ने खुद वहाँ अपना एफर्ट डाला और हम लोग के लिए चीज़ें काफ़ी आसान करी, क्योंकि अब 4 साल का अटेम्प्ट आपको 4 महीने में दिखेगा कि कितना डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब टोटली रिवर्स इंजीनियरिंग है। अच्छा। वो आप 2-3 साल करोगे तभी समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे क्या डिफरेंस है, और जब मैं 3 साल पढ़ के आया तो यहाँ क्या डिफरेंस। नहीं, ऐसा तो नहीं क्वालिटी
मतलब कम पैसे ले रहे हैं, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करने वाली बात, बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते चलो पैसे कम लग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पैसे तो कम लग रहे हैं लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो? नहीं सर, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है बहुत हाई है। अच्छा, क्योंकि 600 रुपये 700 रुपये 699 ये सब में मतलब कहाँ मिलता है कुछ? मोबाइल रिचार्ज करोगे तो मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो हाँ, तो वो है। पर मैंने अरविंद सर का बैच लिया था पी वाई क्यू एनालिसिस का। पी वाई क्यू तो हम लोग देखते थे कि मतलब पी वाई क्यू है कैसे होते कैसे देखना, पर कैसे पी वाई क्यू को देखना है, कैसे सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। वो डायरेक्शन पता चल गया, मतलब सर ने गाइड किया कि अगर हम देखा जाए ना तो स्टेटमेंट के अंदर कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाते हैं। अच्छा, तो वो सर के वैसे पता चले मुझे, कि पहले अटेम्प्ट में पढ़ाई तो बहुत की थी बट वो नहीं पता था कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं और ऑप्शन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था प्री के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वही एक चीज़ है जो रुका के रखती है। अगर ऑप्शन एलिमेंट्स हो रहे हैं तो हम गेस ले सकते हैं। होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दिमाग शून्य हो जाता है, काम नहीं करता है। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं। तो सर ने जो कुछ बताया वो अट्रैक्टिव था, मतलब अगर कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी हम कैसे मतलब 85-90 तक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, और वो भी मतलब एक टेक्निक्स बताई उन्होंने। हाँ, मतलब एक ट्रिक्स है, सिंपल सा है, कुछ याद करना नहीं है बस। अरे हाँ, बस 4-5 रूल है, वो भी मतलब उनको कोई रटना भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा। तो ये सब सीक्रेट में वही कहते हैं ना, सिंपली पढ़ाई कर ली और जाके, ऐसा नहीं है, आपको कुछ अलग करना है और अलग करने के लिए यहाँ पे टेक्निक्स भी बताई जाती है। साथ में यूपीएससी का जो पैटर्न है कितना अच्छा, कभी समझ में नहीं, जितना अच्छा सर ने मतलब पढ़ाई में खेल खेल के माध्यम से बता दिया। अरे वाह, तो मतलब लगा नहीं कि क्लास कर रहे हैं, बस लगता था कि मतलब खेल खेल रहे हैं एक प्रकार का करके। अब मैं अरविंद सर से बात करूंगा। अरविंद सर देखिए, अरविंद सर बहुत बिजी हैं बच्चों के बीच, और मैं सर 2 मिनट चाहिए आपके, बहुत सुन रहा हूँ आपके बारे में और यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। क्योंकि दोस्तों मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो इस तरह की सर्विसेज आप तक पहुँचे, और मेरे चैनल का यह मकसद सर, ये कैसे, हाउ यू पीपल आर मैनेजिंग, क्योंकि इसमें खर्च होते हैं और बच्चों से आप एज ए टोकन मनी ले रहे हैं, राइट? एक मोबाइल चार्ज करना और चाय पीने के बराबर वो चीज़ें, तो इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसके पीछे कैसे आपकी सिस्टम काम करती है, इसके बारे में बताइए। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे 5-6 दोस्त थे, उनको मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहा था पी वाई क्यू द्वारा कैसे रिपीट होता है, तो फिर ऐसे करते करते उन्होंने उनके 10-15 दोस्त इकट्ठा कर दिए, फिर हम जूम मीटिंग पर पढ़ाने लगे। यूपीएससी ने ना हमें सिर्फ सिलेबस दिया है, हमें किताबें नहीं दी है, और कोचिंग चक्कर के बाज़ार में मिडिल क्लास वाले जो स्टूडेंट हैं गुमराह हो जाते हैं। तो बात ऐसी सर, ईयर 2014 में क्वेश्चन नंबर 98 नैनो पार्टिकल सेट एम है, ईयर 2022 में क्वेश्चन नंबर 98 नैनो पार्टिकल सेट एम है, ईयर 2013 में क्वेश्चन नंबर 35 वाइल्ड लाइफ पे, ईयर 2017 में क्वेश्चन नंबर 35 वाइल्ड लाइफ पे, ईयर 2013 में क्वेश्चन नंबर 96 हिग्स बोसन पार्टिकल, ईयर 2019 में क्वेश्चन नंबर 97 जो ई लीसा और हिग्स बोसन पार्टिकल अगर आप देखें तो अलाइक स्टेटमेंट के आधार पे एलिमिनेट हो जाएगा, ईयर 2017 में क्वेश्चन नंबर 65 G20, ईयर 2020 में क्वेश्चन नंबर 65 G20, ईयर 2019 में क्वेश्चन नंबर 21 थेमेटिक रिपीटेड क्रॉप लाइक राइस व्हीट वगैरह, ये एज इट इज, ईयर 2022 में क्वेश्चन नंबर 21 एज इट इज रिपीट हो जाता है राइस के ऊपर। सर यूपीएससी थीम भी नहीं चेंज करती, क्वेश्चन नंबर तो अलग है, ईयर 2013 में क्वेश्चन नंबर 64 कॉटन के ऊपर, ईयर 2021 में क्वेश्चन नंबर 64 ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर, सर कॉटन थीम है सर। सर मैं 1979 से 2022 तक सभी क्वेश्चन पेपर रट गए, एनालिटिकल माइंडसेट से वो एनालिसिस कर दिया। तो बात ऐसी होगी कि फिर जो आईपीएस लोग हैं वो मेरे बैच को बैठने लगे, आईआरएस बैठने लगे, आईएफएस बैठने लगे, तो फिर वो लोग ऐसा था सर कि ऑफिस से आने के बाद वो कहते थे कि सर मेरा ऑफ टाइम है, तो मैंने कहा कि मेरा मोटिव तो कोई अलग था पढ़ाई के साथ इन लोगों, तो फिर ये जो मेरे दोस्त है मिडिल क्लास फैमिली से टीयर 3 टीयर 4 पॉकेट्स है, तो 3994991499 यहाँ पर। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़की है मुंबई से दिव्या नाम से, उसने 18,000 रुपये सीसेट के क्लास को भर दिए, सीसेट पास नहीं हुई। सर वो इतने गरीब घर की बच्ची है कि उसकी माँ कहीं और बर्तन धोती है, और इसके एस्पिरेशंस है कि मैं आईएएस बन जाऊँ। तो एक दिन रोने लगी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि जब भी मेरी बैच होती है तो मैम को पता होगा ये मेरी स्टूडेंट है तो इनको बता। आखिरी दिन में मैं एक बात कहता हूँ कि अगर ऐसी मेरी कोई बहन यहाँ पर आई हो जिसने दूसरे से उधार पैसे लेकर क्लास ज्वाइन किया, उसको फीस रिफंड कर दूंगा, और जो हमारी जो सिस्टर इंटरव्यू को जाती है तो उनको जूते से लेकर टाई ब्लेजर्स तक सब खर्चा दिल्ली यूपी सिगरेट उठाती है। दूसरी बात यह है सर, फिर अब ऐसे तो मार्केट में
ठगने वाली बात तो चल रही है 18,000-20,000 इसमें सीसेट के क्लास को, तो मैं 2-3 लोग प्लेटफॉर्म पे लेके आया। अच्छा। जैसे कि विवेक पाटिल सर, उनका सीसेट का स्कोर 183 था, देन गौरव नागपाल सर, उनका सीसेट का स्कोर 151 था। सर हमने बैच स्टार्ट कर दिया 599 रुपीज़ में सीसेट का, और ये मेरे टीचर है, ये करियर लॉन्चर में पढ़ाते थे। अरे सर आपका नाम? मोनू शर्मा जी। मोनू सर, इन्होंने मेरे को सीसेट पढ़ाया था, तो मेरा आग्रह उनसे ये था कि सर आप यहाँ आए, इसके बाद YouTube पे कुछ सेशंस फ्री लगा दे 15-20 दिन, ताकि इन बच्चों को फ़ायदा हो। दिल्ली UPSC सीक्रेट के टेलीग्राम चैनल पे 45,000+ स्टूडेंट ज्वाइन है टेलीग्राम चैनल पे। YouTube अभी खोला, 5,000 से ज़्यादा है, बट 6,500 स्टूडेंट एनरोल है दिल्ली UPSC सीक्रेट के पास। अब हमने एंशिएंट मेडिवल की नोट्स रिलीज कर दी, सिर्फ 99 रुपीज़ में है सर, सिर्फ 99। यथार्थ ने बनाई, यथार्थ ऑल इंडिया रैंक 9 UPSC CDS में, बनाने में खर्चा आया 15,000, डिस्ट्रीब्यूट किया तो कम से कम कहीं तरह 1,200 या 1,400 कॉपी चली गई, तो बनाने के 10 गुना वहाँ पे मुनाफा आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा कि जेरोक्स वाले को कहा कि भैया ये ले ले और सबको बांट दे, अब क्या करें, बनाने का खर्चा तो निकल गया। अगर आप हमें 50 से लेके 100 तक ऐसे कुछ ज़रूरतमंद लोग जो स्टूडेंट दे, तो हम लोग उनको फ्री में पढ़ाएं। दिल्ली UPSC सीक्रेट का ऑब्जेक्टिव ये है कि एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल टू द टियर 3 टियर 4 पॉकेट्स। ये डेमोक्रेसी है सर, ये डेमोक्रेसी में हर किसी को आगे बढ़ने का अधिकार है। मैं लास्ट 10 ईयर से सीसेट पढ़ाता हूँ। अच्छा। और जैसे कि अरविंद ने बताया, अभी स्टूडेंट भी रहा मेरा, तो एक दिन इनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे सर मैंने दिल्ली UPSC सीक्रेट का ऐसे ऐसे स्टार्ट किया, इनका जो स्ट्रेटजी को देखते हुए मैंने देखा कि इनका एजेंडा कि सर मेरे को लेस फीस में करवाना है। अच्छा। तो इनका एक ही ये था कि सर आप हमारे साथ आ जाओ, तो मैंने भी एकदम विदाउट एनी कोई मनी, कोई मैटर नहीं करता है, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि चलो ठीक, आप जैसे भी करना चाहते हो, तो आप, इनका ये था कि सर बच्चों को ना कुछ हेल्प मिले जिससे हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास डालें। मेरे को, मैंने इनको बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम निकालूंगा और ऑनलाइन जो क्लासेस जो ऐप के थ्रू, तो उसके लिए हम प्रॉपरली एकदम, मैंने अपना पूरा स्टडी मटेरियल है वो रेडी कर दिया, PPT रेडी है, तो उसका स्टडी मटेरियल मेरे को डालना है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इनका एजेंडा जो था UPSC सीरेट, जो मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चों को ना ज़्यादा फीस न लेकर, अगर इनका, मेरे को भी ये पता है कि कम फीस में अगर ये दे रहे हैं तो हमें भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन। सर ये फी थोड़ी कहलाएगा, ये 599 399 फी भी इनके साथ एक फॉर्मेलिटी के लिए ले रहे हैं, नियत साफ होनी चाहिए, जैसा कि सर बता रहे थे इसमें भी इनको बचत हो रही है, तो नियत साफ होनी चाहिए। नियत अच्छी है तो परवाला भी साथ देगा, और ऐसा नहीं कि इस कम अमाउंट में क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी आपने बच्चों से सुना कि सर, वो क्वालिटी की बात करें, सी सेट ये सर पढ़ाते हैं, और ये खुद सर आप कब से हैं? लास्ट 2013 में मैंने स्टार्ट किया था, और कैरियर लॉन्चर से यहाँ से, मतलब राजेंद्र नगर में जितने भी मतलब अच्छे अच्छे जो सी सेट के लिए हैं वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और 2013 से मैं प्रॉपरली सी सेट पढ़ाता हूँ। ये शशिधर है, मुंबई से है, ये इनके पिताजी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। अच्छा। अब मैं शशि को अगर मैं पढ़ाता हूँ, और शशि को फिर एक महीने बाद कॉल करके पूछता हूँ कि शशि तुम्हारे पास पैसे हैं, कुछ पैसे लगते हैं, अब ये बच्चा, ये जो शशि है ना, इसको क्यों फोकस किया? क्योंकि शशि का जो मैंने आंसर राइटिंग देखा, शशि का ये देखा, तो काफ़ी अच्छा है। अभी ये वीडियो आपके पास रखिएगा, मैं 2 स्टूडेंट बताता हूँ कि जो रैंक निकालेंगे, शशिधर तिवारी और दूसरा है ध्रुव बिष्ट नाम का, यहाँ पे नहीं है, मैं उससे कभी मिला नहीं, लेकिन दूसरा स्टूडेंट है ध्रुव बिष्ट। एक ताली हो जाए भाई प्लीज़। ये मेरे 2 स्टूडेंट है, एक टियर 4 पॉकेट में से अगर एक पेट्रोल पंप वाले, पेट्रोल पंप पे एक एम्प्लॉय होने के जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चा ऐसे ओल राजेंद्र नगर में आके छाती ठोक के पढ़े, तो इसके बिना और पब्लिसिटी क्या। यथार्थ चतुर्वेदी ऑल इंडिया रैंक 9 UPSC CDS में, तो इनके कुछ गोल्स अलग है, तो इसलिए उन्होंने ज्वाइन करने के बाद IIM छोड़ दिया, बट यहाँ पढ़ाते हैं। मैंने एज ए मित्रवत ज्वाइन किया। अच्छा। दिल्ली UPSC सीक्रेट शुरू में जब कोचिंग स्टार्ट ही हम कर रहे थे और कोर्स हम डेवलप कर रहे थे, तो काफ़ी सारे कोर्सेज हम लेकर आए, मैंने भी पर्सनली बुक लिखी एक एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया की, और उसमें टेबल फॉर्मेट में हमने काफ़ी सारे एडिशंस दिए, उसमें बच्चों का फीडबैक लेकर भी हमने काफ़ी सारे चेंजेस करके नए एडिशन भी हम निकाल रहे हैं। फिर मैंने लेक्चर्स भी लिए हैं एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया के, और वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे। अब मेंस का कोर्स हम डेवलप कर रहे हैं आफ्टर प्रीलिम्स, जो हमें सक्सेस मिली है और जो फीडबैक मिला है बच्चों से,
तो उसके बिहाफ पे हम मेंस का कोर्स भी काफ़ी अच्छा लेकर आ रहे हैं। सर मेरी तो स्टूडेंट से गुजारिश है कि अपना जो दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट प्लेटफॉर्म है उसमें जो लाइट एंड स्कोप नाम का जो कोर्स है जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा था कि मान लो कोई थ्री स्टेटमेंट है और ऑप्शन में नो वेर इज 1, 2, 3 टुगेदर तो उस टाइम में सिंगल स्टेटमेंट पार्ट ऑफ आंसर्स होता है। ऐसे कई सारे 42+ एलिमिनेशन टेक्निक है और उसमें हमने 4-5 आवर्स की लर्निंग फ्री रखी है और उसके बाद तो नॉमिनल फीस ही है 399 वगैरह ऐसे 699। तो मेरी स्टूडेंट से गुजारिश है कि एटलीस्ट उसके डेमो वीडियोस को देखेगा फ्री लर्निंग वाले को। कहाँ पे डेमो पड़ा है आपके यूट्यूब पे? दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट चैनल पे टेलीग्राम दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट प्ले स्टोर ऐप में है। ऐप में है, ऐप में इसलिए कि स्टूडेंट डाउनलोड करते हैं, अगर नेट पैक नहीं होता तो एक बार वाईफाई से लाइब्रेरी से डाउनलोड करते कभी भी देख सकते हैं उसको। तो वो काफ़ी मददगार साबित होगा मेरे हिसाब से, 20-30 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। उसके बाद सर एक प्रीलिम्स मेड इजी नाम की मैंने एक किताब बनाई है, मैं और संदेश ने बनाई है। तो उसमें 1979 से लेके 2022 तक थीमेटिक रिपीटिव टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस 400 के आसपास वहाँ दिए हैं। आई गारंटी कि 10-15 सवाल वहाँ से सीधे निकल के आएंगे। एक्चुअली क्या है कि मैंने खुद फॉलोअप शुरू की थी सर से जब मुझे पता चला था कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में ही कब बताया मेरा मकसद ये है कि हम अपने चैनल के थ्रू आपको आपकी हेल्प कर सकें, वैसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, वैसे बच्चे जिन्हें पोटेंशियल स्पार्क है लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, उन जैसे बच्चों के लिए दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट है जो आपकी मदद करेगा। सारी डिटेल, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल, यूट्यूब चैनल, टेलीमार, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये नंबर है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं और मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि एक बार ज़रूर बात कीजिए, बिकॉज दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट फ्री फॉर एवरीवन जो डिज़र्व करते हैं और यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की भी कोशिश की जाती है।